बताइए, शुरू करें? कीजिए कीजिए आप, आपका कन्वर्सेशन है। ये हिचकी सॉन्ग जो है, ये बेसिकली आप समझ रहे हो, इसका फोक जो है ना, फोक को ध्यान में रख के ये किया है, बिकॉज वो हमेशा कनेक्ट कर जाता है। मैं भी नहीं था। एंड पेस है पूरा, तब यू नो ग्रूवी या फील आना चाहिए उसमें वैसे, क्योंकि परदेश गए बालम याद सतावे हिचकी, तो जो जो चला गया परदेश और उसको आप ये कर रहे हो, आप समझ रहे हो, याद कर रहे हो, सो दैट इज द सिचुएशन। मन्ने आवे हिचकी, सितम ढावे हिचकी, परदेश गए बालमनी याद सतावे हिचकी, तो वो सब चीजें हैं। थोड़ा सा मैडम गुनगुना दीजिए, तो आप थोड़ा सा उसको करेक्ट कीजिए। तो आप हाँ, एक बार जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार कंपोजिशन थोड़ा सा बताइए। रे मन्ने आवे हिचकी, सितम ढावे हिचकी, परदेश गए बालमनी याद सतावे हिचकी, रे मन्ने आवे हिचकी, सितम ढावे हिचकी, परदेश गए बालमनी याद सतावे हिचकी, हिचकी हिचकी हाँ हिचकी हिचकी। वेरी गुड, जैसे आप लास्ट में हिचकी का किए ना, वैसे वो तो अच्छा देखिए, ये जो हाँ ये जो इसमें है ना, दैट ग्रूव शुड कम, यू नो लाइक बिकॉज तो आप हिचकी बहुत अच्छा है, परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट, सो लाइक दैट आपको और भी चीजों में ये करना पड़ेगा, लाइक रे मन्ने आवे हिचकी, सितम ढावे हिचकी, परदेश गए बालमनी याद सतावे हिचकी, रमन्ने, एंड यू शुड फील द ब्रेक, हिचकी रमन्ने आवे, बिकॉज़ दैट ग्रूव ऑफ यू नो रिदम, धागे चिक नाके चिक धागे नाके चिक आवे हिचकी सितम, ट्राई इट वंस विद ग्रूव दैट इन माइंड। रे मन्ने आवे हिचकी, सितम ढावे हिचकी, परदेश गए बालमनी याद सतावे हिचकी, रे मन्ने आवे हिचकी, सितम ढावे हिचकी, परदेश गए बालमनी याद सतावे हिचकी, रे मन्ने आवे हिचकी, हिचकी सितम ढावे हिचकी, परदेश गए बालमनी याद सतावे हिचकी, रमन्ने आवे हिचकी, सितम ढावे हिचकी, परदेश गए बालमनी याद सतावे हिचकी, हिचकी हिचकी हाँ हिचकी हिचकी, हिचकी हिचकी हाँ हिचकी हिचकी। यहाँ भी थोड़ा सभी कैमरा, सभी कैमरा, सभी कैमरा देखे लोग अच्छा। रश्मि जी, ये पहला आपका गाना है? पहला गाना। हाँ। कैसे सिंगिंग की तरफ कैसे आना हुआ आपका? हाँ, मैं बाय प्रोफेशन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हूँ, मेरी अपनी कंसल्टिंग बिजनेस है कनाडा में। चार साल पहले मुझे गाने का बहुत शौक बहुत सीरियसली हुआ, उसके पहले मैं थोड़ा बहुत गाती थी, लेकिन उसके बाद जब गाते गाते तो फिर मैंने सीखना शुरू किया, जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर वो मेरे म्यूज़िक गुरु भी हैं, मैं उन्हीं से सीखती हूँ हिंदुस्तानी क्लासिकल, और इस तरह से फिर म्यूज़िक ऐसा नशा ही है कि वो जितना आप उसको करते जाओगे उतना वो चढ़ता जाता है, तो वही हाल मेरे साथ हुआ है। तो इसके एल्बम के बारे में थोड़ा सा बताएं, इसका नाम एक हिचकी भी है, एक फिल्म भी आ रही है हिचकी नाम से, तो इसमें क्या समानता है? मेरे ख्याल से समानता सिर्फ एक नाम है बस, बाकी ये जो गाना है हमें, मुझे मेरे जो म्यूज़िक गुरु हैं उन्होंने एक साल पहले सुनाया था और मुझे बहुत पसंद आया था ये गाना, क्योंकि ये बहुत कैची है और मुझे फोक बेस गाना बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने कहा था जब मैं तैयार हो जाऊँगी तो मैं ये गाना गाना चाहूँगी। तो ये हमारी प्रिपरेशन तो एक साल पहले से शुरू हो गई थी, हिचकी मूवी तो अभी आ रही है, मुझे अभी इसके बारे में पता चला कि नाम है हिचकी, तो गाने के बोल और ये बिल्कुल अलग हैं, सिर्फ एक वर्ड है हिचकी जो कि कॉमन है, अदरवाइज आप जब मैं इस गाने को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ, ये बहुत प्यारा कॉम्पोजिशन है, विवेक अस्थाना ने बहुत अच्छा कंपोज किया है, और इसका जब ट्रैक आएगा तो लोग जब सुनेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा, म्यूजिक से आपका कैसे जुड़ा हुआ, थोड़ा सा इस बारे में बताएं।
तो जैसा ये विवेक अस्थाना मेरे म्यूजिक गुरु भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, तो म्यूजिक मैं सुनते आई हूँ. और मैं जब छोटी थी तब से मैं डांस करती आ रही हूँ, आई एम लाइक डांसर. तो म्यूजिक और संगीत और डांस आर्ट की दुनिया से हम मेरा जुड़ाव बचपन से है. तो अभी जब धीरे धीरे जब से मैंने सीखना शुरू किया तो इसके सीरियसनेस को मैंने बहुत ज़बरदस्त लिया. और मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया को ये दिखाऊँ कि संगीत सुनने का सीखने का कोई एज नहीं होता है, आप जब चाहो तभी सवेरा है. और उसके बाद मैंने गाना सीखना शुरू किया और मैं बहुत होपफुल हूँ कि आगे मैं इस क्षेत्र में बढ़ूँगी. अच्छा, म्यूज़िक एकेडमी भी आप खोलने जा रही हैं शायद, थोड़ा सा उस बारे में बताएं. हाँ, यहाँ पे स्टार एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है, उसका एक ब्रांच एडमिंटन में वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मैंने खोला है. सिखाने की कोशिश करती हूँ और अच्छे अच्छे सिंगर को बुला के उनसे बच्चों को, ताकि हमारा जो कल्चर है म्यूज़िक का जो एक धरोहर है उसको हम संभाल के रखें और उसको दुनिया में फैलाएँ. तो इस वजह से हमने उसको वहाँ पर सिखाना शुरू किया है. और वहाँ लोकल भी हैं कुछ लोग जो अच्छा सिखाते हैं, उनको भी हायर करके हम इसको बढ़ाना चाहते हैं. इसके बाद भी कुछ और प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग है बस सीखते रहना है, अपने आप को ग्रो करना है और लोगों को पसंद आया तो हम आगे और भी एल्बम बनाएंगे. ये हमारी सोच है, आप देखें सब कैसे होगी. थैंक यू. नहीं, अब तो वैसे बाहुबली का टाइटल में बिहार और यूपी के बाहुबली बोलेंगे कि हमारे नाम से क्यों आ गया बाहुबली. ये ना बड़े कुछ शब्द ऐसे हैं हिचकी और कुछ भी टाइगर, फिर वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे कि टाइगर क्यों आ गया. सो हिचकी तो एक कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है. वैसे ही वो एक फिल्म आ रही है और हमने एक साल पहले उस गाने पर डिस्कस किया हुआ था, तो ऐसा कोई समानता नहीं है. एक ही समानता है कि हिचकी फिल्म की स्टार रानी मुखर्जी है, हमारी स्टार रश्मि प्रिया है, दोनों का आर वर्ड लेटर कॉमन है. गाने को लिखा किसने है और आपने कैसे कंपोज किया, किस तरह का? संजय धूपा मिश्रा अच्छा लिखते हैं. हाँ, संजय धूपा मिश्रा हैं राइटर, इसके लिरिसिस्ट जो जिन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएँ की हैं पहले भी. और उन्होंने लिखा है कंपोजिशन, चूँकि मन ने आवे हिचकी दो शब्द ही राजस्थानी हरियाणवी टच का है, तो वही फोक मैंने लिया है, राजस्थान का फोक लिया है. और हमेशा जो भी फोक है यू नो पीपल ऑलवेज रिलेट टू दैट. अच्छा, इसमें कुछ हॉलीवुड के लोग भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा बताएं. हॉलीवुड के, हाँ, इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि जो इसका वीडियो वगैरह का पार्ट है वो लॉस एंजलिस में मैथ्यू वर्ल्ड मेकर करके हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं. अभी इसराइल में भी उन्होंने शूट करके अभी आई हैं. तो वो कॉइंसिडेंटली हमारे कॉमन फ्रेंड ने मिहिर उपाध्याय, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा उनके साथ टाई अप करके कर सकते हो, तो वी गॉट अ गुड एसोसिएशन दैट वे. या रश्मि जी, थोड़ा सा आप गुनगुना दीजिए जो गाने हैं. एक साथ दोनों, एक साथ चलो भाई. ओके, वन टू थ्री गो. रे मन ने आवे हिचके, सितम ढावे हिचके, परदेस गए बालम ने याद सतावे हिचके. रे मन ने आवे हिचके, सितम ढावे हिचके, परदेस गए बालम ने याद सतावे हिचके. हिचकी हिचकी लगे. सारे बड़े सिंगर्स को गवा चुका हूँ और काफी जिंगल्स किए हैं बड़े बड़े जो आप देखते टीवी पे, कामधेनु स्टील, मोदी कॉन्टिनेंटल, अभी फार्म ट्रैक वगैरह. तो कई बड़े सीरियल्स के बैकग्राउंड टाइटल वगैरह से जुड़ा रहा हूँ. तो इस तरीके से है इस एल्बम के बारे में. तो ये है कि रश्मि जी पिछले 2-3 सालों से, खास 4 साल से सीख रही है, लेकिन 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ करी है. डिस्पाइट बीइंग अ साइंटिस्ट, वो बहुत ध्यान से रियाज करती हैं. तो उन्होंने मुझसे तकरीबन 1 साल पहले जिक्र किया कि अगर कोई एक ऐसा एल्बम क्या कट कर सकते, डू यू फाइंड मी, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट कि आप लगता है कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, तो ही मैं कैनाडा से ऑल द वे, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी अ साइंटिस्ट, उनका अपना फर्म है, तो सब बिजी शेड्यूल छोड़ के आना. मैंने कहा या नॉट नाउ बट आफ्टर अ ईयर आप आ सकते हो. तो उस तरीके से ये एल्बम हमने हिचके गाना 1 साल पहले ही उसको सुनाया एंड शी लाइक्ड इट. या
तो टाइटल इसका जो है वो पहले ही तय हो गया था या ये फिल्म से कुछ इंस्पायर? फिल्म से कोई इंस्पिरेशन नहीं है, एक संजोग मात्र है और अच्छी बात है कि एक अभी संजोग से वो भी अभी इन दिनों ही रिलीज होने वाली और हम भी काम करें, एक, एक, एक अच्छा संजोग है बस। और अच्छा, आप किसी रियलिटी शो से भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। रियलिटी शो सारे गाँव सारे आओ बहुत इंटरेस्टिंग सा रियलिटी शो कर रहे हैं, जिसमें चूँकि एक्चुअली मैं हमारी एकेडमी स्टार एकेडमी ऑफ म्यूज़िक और उसमें सारे इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े बड़े यू नो फैकल्टी मेंबर हैं जो टॉप के म्यूजिशियंस हैं, तो हमने सोचा कि जो जिसमें कोई एज इसका लिमिट ना हो और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी हो और यू नो साथ में लिरिसिस्ट भी हो जिसको कोई ये नहीं करता है, तो ये उस बारे में पहली बार ऐसा होगा। इट्स वेरी इनोवेटिव दैट वी आर। नहीं तो ये किसी चैनल पे आएगा या ये किस तरह? अभी हम इसको YouTube पे ऑलरेडी हमने ये कर दिया है और हमारी बात बड़े किसी इसके साथ टाई अप की चल रही है, काफ़ी दो तीन ऑप्शन है उसमें से, बट YouTube में ये हमने एक्सपेरिमेंट के लिए शुरू किया है तो जस्ट टू फाइंड आउट द यू नो फीडबैक एंड इट इज़ क्वाइट गुड। या म्यूजिक एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बताएं। म्यूजिक एकेडमी जैसे मैंने बताया स्टार एकेडमी ऑफ म्यूजिक, इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स सैक्सोफोन में श्यामराज जी हैं विच जो आर डी बर्मन के यू नो राइट हैंड रहे हैं, लेजेंडरी म्यूजिशियन हैं, अभिजीत भट्टाचार्य जी ए आर रमन से लेकर हर सबके साथ उनका जुड़ाव रहा है, इस तरीके के हैं, पामेला जैन वोकल में हैं, तो इस तरह के लोग हैं फैकल्टी में, तो क्वालिटी एजुकेशन एट अ वेरी यू नो जो सब तक पहुंचे ये है इसमें। अच्छा, इसके अलावा कौन से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में देसी बम एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, उसमें अपने पीयूष मिश्रा जी भी हैं, उनका भी है लेकिन, और मुझे संजोग से मेरे 6 गाने हैं उसमें और बैकग्राउंड किया है मैंने, तो उसमें कई इंटरेस्टिंग गाने हैं। शाबरी ब्रदर्स से मैंने वेस्टर्न स्टाइल में कुछ गवाया है, आमिर अली करके हैं उन्होंने बहुत अच्छा गाया उसमें, तो संजय मिश्रा हैं और अपने प्रशांत नारायणन हैं, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो मैं देख रहा हूँ। अभी श्रेया जी को भी रिसेंटली एक फिल्म के लिए गवाया जिसके और भी गाने हैं जो बहुत अच्छे होने वाले रिकॉर्डिंग है। अच्छा, इस एल्बम का वीडियो भी बनेगा, थोड़ा उस बारे में बताएंगे? एल्बम का वीडियो हम रस्टिक, चूँकि ये बैकड्रॉप राजस्थानी है बट ऑब्वियसली साउंड नया है उसमें, जो आजकल जो चलता है बहुत टिपिकल फ्यूज़न भी नहीं है कि एकदम वो आत्मा को बिना मारे एक अच्छा जो यूथ भी कनेक्ट करे, ग्रूवी डेंस है लेकिन फ्रेश साउंड विथ दैट सोल ऑफ मेलोडी, तो उसको लेकर के इसका वीडियो जो हम करेंगे उसी फोक ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए करने वाले हैं। या ओके ओके, चलिए, थैंक यू। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट, एंड दैट इज द रीजन आवर क्लाइंट्स do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. Roshni leader ke sath apne aap chalti hai aur hum kya roshni dalenge uske upar. Ek bahut hi acha vishay hai is film ka, mahilaon ke prati jo hai samaj mein aajkal और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं, तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो
और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।